कहानी उस शख्स की जिसने चीन, पाक या अमेरिका, यूरोप तक को दिखाया आईना। अनुभवी नौकरशाह पूर्व विदेश सचिव से कैसे विदेश मंत्री बन गए जयशंकर। कहां हुई थी मोदी से पहली मुलाकात और मंत्री पद ऑफर करते समय पीएम मोदी ने क्या कहा था। एक समय था जब भारत पश्चिमी क्या एशियाई देशों के सामने भी दब कर रहता था, लेकिन आज भारत पूरी दुनिया से आंखें मिलाकर बात भी करता है और आंखें दिखाता भी है। ये सब मुमकिन हुआ एक ऐसे शख्स के कारण जिसे पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया था। हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम जयशंकर की। बात 2019 की है जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई थी। हर किसी को उम्मीद थी कि पहली पारी में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ही दोबारा जिम्मा संभालेंगी, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए अनुभवी नौकरशाह और पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी। जयशंकर के विदेश मंत्री बनने की कहानी चीन से शुरू हुई थी। 2011 में गुजरात के सीएम रहते पीएम मोदी चीन गए थे और वहीं पर उनकी मुलाकात जयशंकर से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पकड़ और शानदार नीति के चलते पीएम मोदी जयशंकर से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद में मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में एस जयशंकर को विदेश सचिव नियुक्त किया था और सुजाता सिंह को हटाने के मोदी सरकार के फैसले के समय को लेकर विभिन्न तबकों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। सुजाता को उनका कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले ही हटा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली अमेरिका यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी एस जयशंकर से काफी प्रभावित हुए थे। मंत्री बनाए जाने पर जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बतौर ब्यूरोक्रेट मैं अपनी पारी एक सेक्रेटरी के रूप में खत्म करना चाहता था। कोई भी अफसर का सपना वहीं तक होता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं विदेश सचिव से बढ़कर विदेश मंत्री बनूंगा। अगर नरेंद्र मोदी पीएम ना होते तो शायद ये कभी नहीं होता। आपको बता दें कि जयशंकर विदेश मंत्री बनने वाले पहले नौकरशाह हैं। बीते 4 सालों में जयशंकर ने अपनी काबिलियत से भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। चाहे बात अमेरिका यूरोप के प्रतिबंध के बावजूद रूस से तेल खरीदने का हो, या डोकलाम के मुद्दे पर चीन से वार्ता हो, या फिर कश्मीर मुद्दे पर यूएन में पाकिस्तान को बेनकाब करना हो, भारत आज पूरी दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है। जयशंकर अपनी बेबाक बयानों से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरती हैं। जयशंकर ने अमेरिका को मानवाधिकार के मामले में 2 टूक जवाब दिया था जिससे पूरी दुनिया हिल गई। इससे पहले शायद ही भारत के किसी विदेश मंत्री ने अमेरिका जैसे बड़े देश से भिड़ने की कोशिश की हो। दरअसल जयशंकर ने कहा था कि आजाद भारत को मानवाधिकारों पर भाषण देने का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना देखना बंद कर दे। अमेरिका अपनी महानता, नैतिकता को अपने पास ही रखे, उभरती हुई शक्तियों से ढंग से पेश आना सीखे। वहीं जून 2022 में स्लोवाकिया पहुंचे जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा था कि यूरोप को उस मानसिकता से बाहर निकालना होगा कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं। लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। जयशंकर के बारे में कहा जाता है कि विदेश मंत्रालय में बतौर अधिकारी रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े देशों की नब्ज पकड़ ली थी और अब मोदी सरकार को उन पर पूरा भरोसा है। इन दोनों डेडली कॉम्बिनेशन के कारण ही आज दुनिया भर में भारतीय विदेश नीति की तारीफ हो रही है। विदेश मंत्री से पहले जयशंकर जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव के पद पर रहे थे। इससे पहले उन्होंने चीन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों में राजदूत का पद संभाला। उनके पिता के सुब्रमण्यम को भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकारों में से एक माना जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1980 में जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम को रक्षा उत्पादन सचिव के पद से हटा दिया था। लेकिन उनके बेटे एस जयशंकर को मोदी सरकार ने वो सम्मान दिया जिसकी बदौलत आज भारत वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।